ये पूरा मामला कालपी नगर के भट्टीपुरा मोहल्ले का है, जहां वर्षों से होलिका दहन होता आ रहा है। सदर बाजार निवासी सर्वेश गुप्ता ने यहां गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मोहल्ला भट्टीपुरा निवासी रविंद्र पुरवार और अन्य लोगों ने होलिका दहन के स्थान पर अतिक्रमण किया हुआ है। सर्वेश गुप्ता ने अपने बयान में ये भी बताया है कि उन्होंने लिखित शिकायत उप जिलाधिकारी IS अभिषेक कुमार से की थी और पूरे मामले से उन्हें अवगत करा दिया है, जिस पर उप जिलाधिकारी ने नगरपालिका RI और लेखपाल को मौका स्थल का निरीक्षण करने के लिए भेजा था। भूमि स्वामी जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उन पर आरोप है कि सर्वेश गुप्ता का उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम वही अतिक्रमणकर्ता ने कहा था कि वो उस जगह से अतिक्रमण हटा लेंगे, लेकिन अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। नमस्कार, मैं प्रशांत शुक्ला, जिला संवाददाता R9 भारत। आज हम आए हुए हैं मोहल्ला भट्टीपुरा और सदर बाजार के बीचों बीच। यहाँ पे एक प्रकरण आया हुआ है जो कि होलिका दहन को लेकर है। आइए जानते हैं क्या है स्थानीय निवासियों के आरोप। जी, आपका नाम? सर्वेश कुमार गुप्ता। सर्वेश कुमार गुप्ता जी, जी क्या आरोप है आपके? सर, हमारा आरोप ये है कि ये जगह होलिका दहन सैकड़ों वर्षों से यहाँ होती आ रही है और निरंतर आगे। किस जगह पे? ये जगह, ये पीछे थोड़ा दिखवा सकते हैं आप? जी, यहाँ पे होती आ रही है और आगे भी जाते होती रहे। कैमरामैन साथी संजोर से दिखाया जगह को। इनका ये कहना है कि ये ठीक पीछे होलिका दहन होती आ रही है और होती रहनी चाहिए, तो क्या आपने इसकी लिखित में तहरीर दी? मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को इसकी सूचना दी थी, उन्होंने नगर पालिका को ये अवगत कराया। नगर पालिका के कुछ कर्मचारी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था इनके द्वारा, रविंद्र पुरवार के द्वारा, कि अगले दिन 5 तारीख को हटा लिया जाएगा अतिक्रमण। लेकिन अगले दिन इन्होंने आश्वासन किनको दिया था? नगर पालिका के कर्मचारियों को, RI साहब को। RI साहब जी, मैंने 4 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया था, इन्होंने 5 तारीख का आश्वासन दिया था कि 5 तारीख को हम अतिक्रमण हटा लेंगे, मगर ऐसा इन्होंने नहीं किया और आज होलिका दहन का आखिरी समय चल रहा है, तो हमारी शासन प्रशासन से निवेदन है इस जगह को मुक्त कराया जाए। जैसा कि हम आपको बता दें, होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार है, उसी होलिका दहन को लेके ये कहा जाता है, बचपन से सुना जा रहा है कि अच्छाई पे बुराई की जीत, बुराई पे अच्छाई की जीत, ये हम लोग सुनते आ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है इसमें, अधिकारी के इस मामले को कितनी गंभीरता से संज्ञान में लेते हैं। मैं R9 भारत से प्रशांत शुक्ला, जिला संवाददाता।